अरे भाभी जी, पुराना नाना होली है, अब तू देवर जी रंग लगाइए। क्या कर रहा है? बचपन से तो मुझे दीदी दीदी बोलता है, मैं तेरी भाभी हो गई। सॉरी भाभी जी, सॉरी। अच्छा सॉरी मत बोलना। एक काम करेगा, मेरी मेरी ना देवरानी बहुत सालों बाद घर आई है और दीदी तेरी भाभी हुई ना, जाके उसे घर दिखला दे। मेरा नाम मतलब किधर है भाभी? सबसे पहले हम सीन के बारे में जानना चाहेंगे जहाँ सभी आपको लड्डू खिला रही है, यानी लड्डू भिजवा रही है, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ तो सीन में मतलब मैं तो जा रही हूँ, नताशा को ढूंढ रही हूँ, बट एक मंचला लड़का आता है और मुझे रंग मेरे ऊपर डालता है और मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसको चप्पल से मारनी ही होती हूँ, वाली होती हूँ। तब तक वो कहता है कि अरे भाभी आप तो क्रश की बीवी हो, मैं ऐसे थोड़ी ना। और मैं थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाता है मेरा और मैं सोचती हूँ अच्छा भाभी क्रश की बीवी, कोई तो मुझे मानता ही नहीं है, किसी ने तो माना, तो मेरे अंदर एक वो आ जाता है, एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थाट आ जाता है कि चलो घर वाले ना सही, मोहल्ले वाले तो मुझे भाभी समझते हैं, और 10 लोग ना सही, पूरी बाकी की सोमनाथ तो मुझे समझता है ना उसकी बीवी, तो मैं खुश हो जाती हूँ और लगे हाथ में वो खा जाती हूँ पकौड़े। मुझे नहीं पता उसमें क्या है और बट हाँ मैं खा गई हूँ। श्वेता जहाँ नाम आता है वहीं पे लगता है कि कुछ तो होने वाला है ड्रामा सीक्वेंस, तो इस पे का कुछ कहोगे आप? तो अभी तो मुझे लगता है कि अफकोर्स अगर कोई भांग वांग के पकौड़े खा लेता उसके बाद तो धमाल ही होता है। मैंने पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ देखा नहीं है ना किया, पर यहाँ तो हम ज़रूर करने वाले हैं क्योंकि अब मैंने खा लिया है भांग के पकौड़े, तो उसके बाद तो कुछ धमाल होगा ही, अब क्या धमाल होगा देखते हैं।